सो हे जनता, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ बिलासपुर और अभी दिन के बज रहे हैं 1 बज रहा है और आज का मेरा ये प्लान बना है कि आपको बिलासपुर में इको पार्क बताते हैं और वहाँ से व्यू बताते हैं बिलासपुर का। गाइस, ये रहा विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पे हूँ अभी मैं। और ये जो आपको ये वाला रोड दिख रहा है कोर्ट रोड, इस पे जा रहे हैं हमने। तो जो यू इको पार्क है वो यहाँ से 1.8 किलोमीटर है, तो मतलब 2 किलोमीटर फर्क लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इको पार्क पे, चलिए मेरे साथ। A few moments later. Hey guys, finally I am reached at इको पार्क बिलासपुर पे। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आने का बता देता हूँ। जहाँ से पूर्ण मॉल है वहाँ से अगर आपके पास गाड़ी है या फिर गाड़ी आपके पास, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं थ्रू द कोर्ट रोड। कोर्ट रोड पे पकड़ना है आपने और उसके बाद हॉस्पिटल रोड पे आ जाना है आपने, और आप 5-7 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाओगे। और अगर आप फिर पैदल आ रहे हो तो पैदल भी यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है, 20 से 25 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए आपको शो करवाते हैं फॉरेस्ट पार्क और वहाँ से बिलासपुर का व्यू कितना सुंदर आता है वो भी बताते हैं आपको। तो चलिए मेरे साथ। हे गाइस, चेकआउट कर लीजिए इको फॉरेस्ट पार्क बिलासपुर। तो चलिए ले चलते हैं आपको और वादियों में। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह बनाई हुई है। गाइज, मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। मैंने अपने दोस्तों से सुना किसी से कि बहुत अच्छा है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था, जैसे जो एक यहाँ से लाइटिंग अच्छा है। सो हाँ जी, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे हमारा एक यहाँ पे व्यू पॉइंट है बंदलाधार, वैसे ये एक व्यू पॉइंट भी है, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं आपको आज यहाँ पे घुमाने ले आया हूँ। एक सड़क तो है, क्योंकि इतना अच्छा सड़क को बनाया हुआ है लोगों को चढ़ने के लिए। मुझे भी पता नहीं आगे एक्चुअली है क्या, पर चलिए चलते हैं। देखो चारों तरफ जंगल जंगल है और नीचे सतलुज रिवर रही, और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। सो हे गाइस, यहाँ पे हमको मिल चुका है कुछ। गाइस वो तो ठीक है यार, बट यहाँ पे देखिए डस्टबिन बनाए हुए हैं, फिर भी लोगों में इतनी अक्ल नहीं है कि डस्टबिन में कूड़ा फेंके। हर कहीं देखो कितना कूड़ा करकट फैला हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फॉरेस्ट। हाउ वी सेव फॉरेस्ट अगर हम ऐसा ही करेंगे, ये होता रहेगा तो कैसे हम जंगलों को बचाएंगे? यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे डस्टबिन है तो उसमें फेंको ना। वो यार रिंगल, क्यों लोग इतने मूर्ख हैं आज की दुनिया में? इस कुछ देखना चाहोगे आप? मैं आपको शो करवाता हूँ। सो हेयर इज द ब्यूटीफुल व्यू। देखिए ये है पूरा बिलासपुर टाउन, जो आपको पूरा दिख रहा है ये है बिलासपुर टाउन। और ये नीचे देखिए, ये है क्रिकेट स्टेडियम, ये आपको ये वाला दिख रहा है, और ये हमारी सतलुज रिवर रही, और इस साइड पड़ता है ऋषिकेश। और ये जो आपको पुल दिख रहा है ये है चंदपुर का पुल, जो जानते हैं बिलासपुर के बारे में। और गाइस यार मैं सोच रहा हूँ मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि जंगल में हूँ अभी और आगे पता नहीं क्या होगा, और रिंगल यार बहुत सारे हैं। चलिए फिर भी ले चलते हैं आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं है क्या एक्चुअल में। हे गाइस, मैं आगे तक गया था यार, आगे कुछ भी नहीं है। और यहाँ से मैंने सुना है कि बहुत सुंदर सनसेट आता है, तो अभी तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि यहाँ तक रुकूं, क्योंकि टाइम 1:30 बज चुके हैं और अभी। पर जो भी अगर जो इस ब्लॉग को देख रहा है और यहाँ पे आएगा, वो यहाँ का सनसेट ज़रूर देखे, क्योंकि दिन में आपको सिर्फ बिलासपुर शहर दिखेगा, बट सनसेट की टाइम आपको एक सनसेट, प्यारा सा सनसेट भी देखने को मिलेगा, ऊपर से बिलासपुर शहर भी देखने को मिलेगा।
और एकदम ब्यूटीफुल व्यू होगा वहाँ तो उसका, आप सोच सकते हो खुद ही कैसा होगा। सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ और बता दिया आपको मैंने ऐसी ऐसी लोकेशन है, बट सच में मैं सच में बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बट बुरा इस बात का लगा कि लोग यहाँ पे आते हैं और डस्टबिन होते हुए भी ना कूड़ा करकट इधर उधर फैलाते हैं। गाइस ये तो रोको यार, अपने हिमाचल को गंदा मत करो। चलो बाहर के बंदे आते हैं वो तो उनको तो है नहीं ना, वो तो करना ही उन्होंने, बट जो हमारे अपने हिमाचली हैं वो भी अगर ऐसे ही करेंगे तो कैसे चलेगा यार। हमारा हिमाचल गंदा होता जा रहा है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट पता लग रहे हैं लोगों को उनको गंदा कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर यार। सो सेफ फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी तो उसका नाम इको पार्क है। सो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और अभी चलता हूँ, एक बार मज़ा ले लेते हैं इस व्यू का। इज वट अ ब्यूटीफुल पीक्स, माउंटेन पीक्स। वाह यार, और आज गया हूँ यहाँ पे मैं इस सामने। यहाँ का इको फॉरेस्ट पार्क से आप सनसेट देख सकते हो बिल्कुल एक नंबर। हियर इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सतलुज रिवर। आपको दिखाया मैंने अभी इको फॉरेस्ट पार्क, और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों यहाँ पे आना होना तो सनसेट देखने ज़रूर आना एक बार। अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना सनसेट तो बोलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए अगली नए वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।